अर्थ होता है खुश करना, खुश करना। तो छंद की जो पहली चर्चा हुई थी वो आपके ऋग्वेद में हुई थी। छंद की पहली चर्चा किस वेद में हुई थी? ऋग्वेद में, ठीक है। अब हम आपको छंद के कुछ अंग बता रहे हैं, जैसे गति। गति क्या होती है बच्चों? देखो जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उनमें जो लय आता है उसे हम गति कहते हैं, लय को, क्लियर। दूसरा है आपका यति। यति क्या होता है? जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो उसमें जो एक ठहराव होता है, जब हम अपनी सांस रोकते हैं तो उसी रुकने के स्थान को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, रुकने के स्थान को, क्लियर। दूसरा है आपका गण। गणों की संख्या कितनी है? ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गणों की संख्या कितनी है? आठ। कौन कौन से गण है? इस सूत्र के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, या माता राज भानस, यगड़ माँ से मगड़, तगड़ रगड़, जगड़ भगड़, नगर सगड़, क्लियर। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं, कितना है? आठ। तो छंद में गण कितने हैं? आठ गण है, ओके। दूसरा देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं? मात्रिक छंद, बर्डिक, बर्डिक व्रत और मुक्त छंद, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं मात्र छंद। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो हम पहले समझते हैं मात्र छंद कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषममात्रिक, क्लियर। सममात्रिक क्या होता है? जिन जिसमें सभी चरणों में समान मात्रा है, तो सममात्रिक हो गया। दूसरा अर्ध सममात्रिक क्या होता है? आधे चरणों में समान मात्रा है। तीसरा है आपका विषममात्रिक, जिसमें क्या होता है? प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्रा है। तो सममात्रिक क्या? सभी चरणों में समान मात्रा है। तो सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं, चौरागी हर। तो चौ से चौपाई, रा से रोला, गी से गीतिका, हर से हर गीतिका। तो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि चौपाई आपका कैसा छंद है, तो आपका आंसर क्या होगा? सममात्रिक छंद, ठीक है, समान मात्राएं पाई जाते हैं। रोला कैसा है? सममात्रिक। गीतिका कैसा है? सममात्रिक। हर गीतिका कैसा है? सममात्रिक छंद। तो चौ से मतलब क्या है? चार। तो आपको ध्यान रखना है चौपाई में कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। इन सभी में चार चरण पाए जाते हैं, रोला में भी चार, गीतिका में भी, हर गीतिका में। अब देखिए मात्राएं कितनी होती है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, चार चरण होते हैं, और हर चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं, किसमें? चौपाई, क्लियर। रोला में क्या होता है? इसमें 24-24 मात्राएं पाई जाती हैं, गीतिका में 26-26 और हर गीतिका में 28-28। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। दूसरा देखते हैं अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक क्या होता है? आधे चरणों में समान मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो किसमें? जैसे दोहा, सोरठा, बरबेट। पूछा जाता है कि दोहा कैसा छंद है आपका? अर्ध सममात्रिक। सोरठा कैसा? अर्ध सममात्रिक। बरबेट कैसा? अर्ध सममात्रिक, ठीक है। दोहा का इसको समझ बेटा, ये दोहा में क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है? 13-13। तो ये क्या लगा? पहले और तीसरे क्या 13 ही लग रहा है? तो पहले तीसरे में 13-13 मात्रा है, दूसरे चौथे में 11-11 मात्रा है दोहा में, ठीक है। सोरठा में क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा होता है। तो पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा है। बरबे में क्या होता है? बरबे मतलब 12, ध्यान रखना है, बरबे 12। तो यानी पहले तीसरे में 12-12, दूसरे चौथे में 7-7, क्लियर। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इन तीनों के चारों चरण दो पंक्तियों में लिखे जाते हैं, किसके? दोहा, सोरठा और बरबे। चार चरण होते हैं लेकिन दो पंक्तियों में इनको हम लिखते हैं। अगला है आपका विषम मात्रिक। विषम मात्रिक क्या होता है? प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं पाई जाती है, जैसे कुंडलिया, छप्पर। तो कुंडलिया कैसा है आपका? विषम मात्रिक। छप्पर कैसा है? वसम मात्रिक, ठीक है। तो कुंडलिया में कितनी पंक्तियां होती है? 6 पंक्तियां। पहले दोहा पाया जाता है फिर रोला, इसमें भी 6 पंक्तियां होती है छप्पर में, और पहले रोला फिर कुंडला, क्लियर। समझ में आया होगा जो हम लोग छंद में मात्राओं को कैसे गिनते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो मात्राओं को गिनना, तो आपको ध्यान रखना है लघु। लघु आपके कौन सा बोर्ड होता है? आ, ई, उ और चंद्रबिंदी और रे। तो ये आपके कैसे बोले जाएंगे? लघु बोले जाएंगे। और जब लघु वर्ण होगा तो उसको आप एक गिनोगे, कितना? एक, एक मात्रा, क्लियर। दूसरा इसी तरह इससे बनेगा क, की। तो का को कितना गिनना है आपको? एक, की, एक। लघु है ये, कु, एक। कम, एक। क्र, एक, क्लियर। अगला है आपका गुरु। ये गुरु का चिन्ह होता है, ठीक है। तो गुरु को जो बड़ा वर्ण होता है उसको हम दो मात्राएं गिनते हैं, कितने? दो। लघु को एक, तो बड़ा, ठीक है। तो का हो गया, बड़ी, की, उ, कु, ए, के। तो इन सभी को आपको कितना गिनना है? दो। और ये क्या बोले जाते हैं? गुरु बोले जाते हैं, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे आपको कुछ पंक्तियां दी जाएंगी और फिर आपको छांटना होगा कि ये दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि रोला है, क्या है। तो इन मात्राओं की बहुत
जरूरी है कि हम कैसे इनको गिनेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं र क्या है, लघु है आपका र, तो एक गिनेंगे ठीक, लघु है एक एक एक। अभी देखिए पा, तो पा क्या है आपका, गुरु है लघु है, गुरु है भाई पा, तो कितना गिनेंगे दो, ये चिन्ह होता है गुरु का, तो दो काउंट करेंगे इसको, नी इसको भी दो काउंट करेंगे, रा ये भी गुरु है आपका, ये क्या है लघु, ये क्या है आपका गुरु, ये क्या है आपका लघु, ये क्या है लघु, ये क्या है आपका गुरु, ये क्या है गुरु, ये क्या है लघु, ये क्या है लघु, ये क्या है गुरु, और ये लघु। ओके यहाँ पे देखते हैं पा क्या है, गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु और गुरु। यहाँ पे देखो ओ किसमें आता है, गुरु में, तो गुरु। ती किसमें आता है, गुरु में। मा किसमें आता है, गुरु में, लघु लघु और गुरु और लघु। तो आपको गुरु को कितना गिनना, दो गिनना है ठीक है, लघु को एक। यहाँ पे गिनते हैं कितना हो गया, चार, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो दस और एक ग्यारह, ग्यारह दो कितना हो गया तेरह ठीक है। तो पहले चरण में कितनी है, तेरह। यहाँ पे देखते हैं दो दो और ये कितना हो गया, छः सात आठ नौ दस और एक ग्यारह। दूसरे चरण में कितनी है, ग्यारह। यहाँ पे देखते हैं चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तीसरे चरण में कितनी है, तेरह। यहाँ पे देखते हैं चार छः सात आठ दो दस और एक ग्यारह क्लियर। तो जब पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा हो, तेरह तेरह, और दूसरे और चौथे में कितनी हो, ग्यारह ग्यारह, तो वो आपका क्या कहलाता है, पहले तीसरे चरण में तेरह तेरह, दूसरे चौथे में ग्यारह ग्यारह, वो आपका कहलाता है दोहा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा ठीक है। इस तरह से हम मात्राओं को काउंट कर लेंगे, तो ज्यादा गहराई में नहीं गए क्योंकि ये पुलिस एग्जाम के लिए है, तो एक दो क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।